मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रांतीय आह्वान पर कर्मचारियों के हिस्से संबंधित लंबित 25 मांगों को लेकर आज एक ज्ञापन कार्यक्रम संगठन के बैनर तले आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए और पहलवान बाबा मंदिर से कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में पहुंचकर उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव को प्रेषित किया। इस ज्ञापन के माध्यम से पुरानी पेंशन लागू करने, पदोन्नति का लाभ देने, दैनिक वेतन भोगी को नियमित करने, लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान, पंचायत सचिवों को पंचायत विभाग में संविलियन की मांग सहित अन्य मांगों के अति शीघ्र निराकरण की मांग रखी और मांग पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन के बिना अनुरोध के बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार करने की चेतावनी भी दी गई। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा प्रदेश के आह्वान पर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला सागर की ओर से यह कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम 25 सूत्री मांगों को लेकर है, जिसमें हमारे सेकंड क्लास अधिकारी से लेकर फोर्थ क्लास कर्मचारी के लिए भी इसमें मांगे रखी गई हैं और यह आंदोलन यह प्रथम आंदोलन है। इसमें तीन चरण और हैं। आज यह ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए, माननीय हमारे कलेक्टर सागर की के द्वारा प्रेषित किया जा रहा है। इसमें सबसे प्रथम जो मांग रखी गई है वो है पुरानी पेंशन बहाली। दूसरा है हमारे जो मध्य प्रदेश शासन ने भर्ती करने की घोषणा की है, उसमें दैनिक वेतन भोगी, स्थायी कर्मी और आउटसोर्सिंग इन कर्मचारियों को तत्काल नियमितकरण किया जाए और लिपिक संवर के लिए जो मंत्रालय में वेतनमान दिया जाता है वो वेतनमान हमारे लिपिकों के लिए दिया जाए। और इसमें 25 सूत्री मांग है, जिसमें आपको पूरा टाइम लगेगा बताने में, तो हमारे जो संयुक्त मोर्चा के जिला संयोजक